आई नो तुम लोग ये वीडियो देखना है क्योंकि तुम लोगों को जानना है कि सैमसंग M21 में UI 5.0 का अपडेट आएगा कि नहीं और कब आएगा। बट उससे पहले तीन सवाल। नंबर वन, क्या सैमसंग M21 में UI 5.0 का अपडेट आएगा? मतलब ऐसा नहीं है कि आएगा ही, क्योंकि इसका दो वेरिएंट है, 2020 और 2021 वाला। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि UI 5.0 का अपडेट कौन से वेरिएंट में आएगा। नंबर टू, अगर अपडेट आएगा तो कब आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्या हम एंड्रॉयड 13 मतलब UI 5.0 को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे M21 में। और लास्ट क्वेश्चन है कि सैमसंग M21 में UI 5.0 का कौन कौन सा फीचर आने वाला है। तुम लोगों को भी पता है अगर UI 5.0 का अपडेट आएगा बजट रेंज में तो सारा कुछ फीचर तो नहीं आने वाला, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। UI 4.0, 3.0 सभी अपडेट में हम लोगों ने देखा है कि जो स्पेशल फीचर होता है वो नहीं आता है, तो वैसा ही हो सकता है UI 5.0 के साथ भी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट से शुरू करता हूँ कि सैमसंग M21 में UI 5.0 का अपडेट आएगा कि नहीं। आप लोग सब्सक्राइब करके शुरू करो वीडियो को। देखो, सैमसंग M21 का दो वर्जन है, जैसे कि मैंने बताया कि 2020 वाला वर्जन एक जो मेरे पास है और 2021 वाला वर्जन। अब सैमसंग का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सैमसंग के एम सीरीज के जितने भी फोन्स है सभी फोन्स को एंड्रॉयड का मेजर अपडेट, दो एंड्रॉयड का मेजर अपडेट मिलेगा दो साल का, और तीन साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सैमसंग M21 2020 वाला वर्जन ये आउट ऑफ द बॉक्स आया था एंड्रॉयड 10 के साथ। अब इसको अगर दो साल का अपडेट मिले तो एंड्रॉयड 12 तक इसका लास्ट अपडेट आता है, एंड्रॉयड 12 UI 4.0 जो मेरे फोन में आ भी चुका है, जो मेरा फोन है सैमसंग M21 2020 वाला वर्जन। और जो दूसरा वर्जन है 2021 का, उस वर्जन का जो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 11। तो दो साल का अगर एंड्रॉयड अपडेट मिलता है एम सीरीज में तो उस हिसाब से 2021 वाले वर्जन पर एंड्रॉयड 13 तक लास्ट अपडेट मिलना चाहिए, मतलब UI 5.0 तो आना चाहिए सैमसंग M21 2021 में। और हाँ, उस हिसाब से आएगा भी, डेफिनेटली आएगा। अगर आपके पास सैमसंग M21 2021 वाला वर्जन है तो हाँ डेफिनेटली आएगा। वर्जन बहुत भूल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो हो गया कि हाँ सैमसंग M21 2021 वाले वर्जन पर UI 5.0 आएगा, अब कब आए? तो तुम लोगों को शायद पता होगा कि इंडिया में नहीं, अभी ग्लोबली सैमसंग के एस सीरीज में UI 5.0 का जो बीटा अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसका जो स्टेबल अपडेट है वो इस वेबसाइट के मुताबिक अक्टूबर के महीने पर, इस साल के अक्टूबर के महीने पर स्टार्ट होगा स्टेबल अपडेट रोल आउट होना। मतलब पहले एस सीरीज में आता है, उसके बाद नोट सीरीज में आता है, देन ए सीरीज, उसके बाद एम सीरीज या फिर एफ सीरीज, जितने भी सीरीज है सभी सीरीज में आता है। मतलब पहले फ्लैगशिप, उसके बाद धीरे धीरे मिड रेंज बजट फोन्स पर UI 5.0 का अपडेट आप लोगों को अक्टूबर महीने से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस हिसाब से एस्टिमेट करें तो आई थिंक UI 5.0 का अपडेट आपके सैमसंग M21 2021 वाले वर्जन पर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो जा रहा है कभी कभी, तो 2021 वाले वर्जन पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा अगले साल शायद फरवरी मार्च महीने पर। तो अभी बहुत टाइम है ये अपडेट आने में। और एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया, थर्ड क्वेश्चन, कि फीचर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सैमसंग वाले अपने बजट फोन्स पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर नहीं देते, जैसे पिछले बार UI 4.0 में कुछ फीचर नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट इरेज और भी बहुत सारा ऐसा कुछ फीचर था। तो UI 5.0 में वैसे तो फीचर उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब माइनर सा चेंज होगा UI 5.0 में 4.0 के मुकाबले, क्योंकि एंड्रॉयड 13 में ही उतना चेंज नहीं है। तो आई थिंक जितने भी चेंज होगा सभी चेंज आपको UI 5.0 सैमसंग के M21 2021 वाले वर्जन पर देखने को मिल जाएगा। अब क्या क्या चेंज हो सकता है, मैंने इसके ऊपर हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है UI 5.0 में क्या क्या फीचर आ सकता है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ दो तीन फीचर। जैसे एक हो सकता है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर से अगर स्वाइप डाउन करोगे तो आपका फ़ोन में मतलब एप्लीकेशन यूज़ करने के टाइम तो वो एप्लीकेशन आपके जो पॉपअप व्यू है उस पर ओपन हो जाएगा। उसके अलावा टू फिंगर स्वाइप अप से आपका जो एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हो वो स्प्लिट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो जेस्चर में कुछ नया नया ऑप्शन आने वाला है UI 5.0 के अंदर, और इसके अलावा भी कुछ सिक्योरिटी में फीचर आएगा, और भी कुछ कुछ फीचर है जो मैंने इस वीडियो पर बनाकर रखा है, डेडिकेटेड वीडियो है वो, अगर देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सैमसंग M21 में कौन से वर्जन में UI 5.0 का अपडेट आएगा, कब आ सकता है और क्या क्या फीचर हो सकता है। हाँ, 2020 वर्जन वालों, मैं भी दुखी हूँ, मेरे पास भी 2020 वर्जन है, क्या ही कर सकते हैं, इसमें लास्ट अपडेट UI 4.0 का ही था जो हमें मिल चुका है, अब कोई अपडेट नहीं आएगा। हाँ, मतलब सिक्योरिटी पैच का अपडेट आ सकता है बट एंड्रॉयड का कोई अपडेट नहीं आएगा, 2021 वर्जन में आएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।